बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है, हर कोई फिल्म की तारीफ करता नजर आ रहा है। फाइटर में दीपिका और ऋतिक को एक साथ देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये जोड़ी दर्शकों का दिल जीतने में भी काफ़ी कामयाब नजर आ रही है। हालांकि इस बीच मेकर्स को एक बड़ा झटका लगने वाला है। एयर स्ट्राइक पर बनी इस फिल्म को देखने के लिए फैंस अपने नंबर का एक तरफ इंतजार कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ फाइटर के रिलीज होते ही इसे ऑनलाइन लीक कर दिया गया है। फिल्म के मेकर्स फाइटर को ऑनलाइन पायरेसी से बचा नहीं पाए हैं, यानी अब लोग इसे बिना थिएटर जाए पायरेसी साइट पर जाकर भी देख सकते हैं। हालांकि फिल्मों की पायरेसी एक क्राइम है और जिन लोगों को इस फिल्म का लुत्फ उठाना है वो सिनेमा हॉल जाकर ही इसे देखना पसंद करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर जैसे ही पर्दे पर रिलीज की गई उसके कुछ घंटों बाद ही इसे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लीक कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक गलत तरीके से फाइटर का HD वर्जन भी कुछ वेबसाइट्स ने अपलोड कर दिया है। पायरेसी जैसी चीज़ों से सबसे ज़्यादा नुकसान फिल्म के मेकर्स को ही होता है, इसका सीधा असर फिल्म की कमाई पर पड़ता है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई फिल्म पायरेसी की शिकार हुई हो। अक्सर फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होती हैं और कुछ देर बाद ही वो पायरेसी वेबसाइट्स पर मौजूद हो जाती हैं। इन्हें रोकने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग गलत तरीके के इस्तेमाल करके और कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करके इन्हें लीक कर देते हैं। अब देखना यह है कि फाइटर के मेकर्स इसके खिलाफ क्या कदम उठाते हैं और इस फिल्म की कमाई पर इस लीक का क्या असर पड़ता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहें TV9 भारतवर्ष के साथ, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।